Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. Hope we are doing good. I am Urvi and I create content on JEE, motivation and उसी से related हर एक चीज़. अगर तुम JEE की तैयारी कर रहे हो और अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं कंटेंट पोस्ट करने वाली हूँ JEE के बारे में और जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है जाके JEE के ऊपर तो पहले जाके उन्हें भी देखो तुम, ताकि तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिले अपनी JEE प्रेपरेशन के टाइम पर. मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि मैंने कैसे अपनी परसेंटाइल इम्प्रूव करी थी और मैंने क्या क्या किया था उन सब चीज़ों को करने के लिए, तो तुम्हें भी उन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है. खैर, आते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पे, जो कि है JEE एडवांस का थर्ड अटेम्प्ट. होगा या फिर नहीं होगा, वो लोग हमें परमिशन देने वाले हैं थर्ड अटेम्प्ट के लिए. अब तुम्हारे मन में कई सारी चीज़ें चल रही होंगी कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है या फिर जो भी डिसीजन लेने वाले हैं, आई डोंट नो, वो क्या डिसीजन लेंगे और वो तुम्हारे फेवर में होगा या फिर नहीं होगा. बट उससे पहले, अगर तुम लोग JEE की तैयारी कर रहे हो और अगर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम डाउट्स आते हैं तो तुम नेक्स्ट 40 सेकेंड्स देख सकते हो. 8400400400 को सेव कर लीजिए, क्योंकि अब आपका मैथ्स का सवाल हो, फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री या बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पे. बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8400400400 नंबर सेव कर लीजिए, फिर चैट बॉक्स ओपन करिए और अपने डाउट की फ़ोटो खींच के क्रॉप करके वहाँ भेज दीजिए. 5 सेकेंड में आपको अपना वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा. क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड्स के लिए यहाँ पे पूरा कंटेंट है, तो फिर देर किस बात की. व्हाट्सएप पे अपना नंबर सेव करिए एंड डाउट क्लियर करिए. डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ऐप डाउनलोड करें. आई नो तुम लोगों के मन में कन्फ्यूजन ज़रूर चल रहा होगा कि क्या डिसीजन आने वाला है, और शायद तुम पूरे दिन अपने यही सोचते होगे कि क्या डिसीजन लेंगे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर JEE एडवांस के थर्ड अटेम्प्ट के ऊपर. अब मैं बताती हूँ कि JEE एडवांस का थर्ड अटेम्प्ट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए. अगर देखा जाए तो JEE मेन के लिए वो थर्ड अटेम्प्ट देते हैं, तो फिर JEE एडवांस के लिए भी देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने 11th 12th में अपनी पढ़ाई नहीं करी होती फॉर एनी रीज़न, जो भी रीज़न है, ठीक है, मैं रीजन्स पे नहीं जाऊंगी. तो उन स्टूडेंट्स के लिए एटलीस्ट उन्हें 2 साल तो मिलना ही चाहिए प्रिपरेशन के लिए. तो अगर उन्हें मेंस के लिए मिल रहा है तो फिर JEE एडवांस के लिए भी तो मिलना ही चाहिए. अब आते हैं कि डिसीजन क्या आएगा. तो नो वन नोज कि क्या डिसीजन आएगा. बहुत सारे टीचर्स तुम्हारे लिए ट्विटर पे और आई डोंट नो कहाँ कहाँ पे हैशटैग्स वगैरह डाल रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये डिसीजन जल्दी आए और तुम्हारे फेवर में आए. लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन क्या आने वाला है ये तो हमें भी नहीं पता है. बहुत बार ऐसे ही कैंपेन्स चले हैं ट्विटर पे NTA के लिए, लेकिन एज सच कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था. तो अभी भी हम लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि NTA क्या रिस्पॉन्स देने वाला है. तो तुम्हें मैं यही बोलूँगी कि अगर JEE एडवांस का थर्ड अटेम्प्ट होता भी है तो तुम्हें उसके लिए पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी. अगर तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि JEE एडवांस का थर्ड अटेम्प्ट हो और मैं JEE एडवांस के लिए एलिजिबल हूँ थर्ड अटेम्प्ट में, तो तुम्हें उसका एग्ज़ाम तो जाके देना ही है, उसके लिए तुम्हें पढ़ाई तो करनी ही है. तो इसीलिए अभी अपना दिमाग लगाने के बजाय कि JEE एडवांस का थर्ड अटेम्प्ट होगा या फिर नहीं होगा, पढ़ाई करनी शुरू कर दो. बिकॉज दोनों ही केसेस में तुम्हें पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी. अगर JEE एडवांस का थर्ड अटेम्प्ट वो लोग अलाउ नहीं करते हैं तब भी तुम्हें JEE मेन के लिए तो पढ़ना ही है. तो इसीलिए अभी अपना टाइम मत वेस्ट करो इन सब चीज़ों में, क्योंकि लास्ट 2 साल से यही सब चीज़ें हो रही हैं और काफ़ी सारे बच्चे इसी में टाइम वेस्ट कर देते हैं. 2020 में मैंने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट किया था. जब सितंबर अटेम्प्ट हुआ था हमारा 2020 में, हमें ऐसा लगा था कि शायद जनवरी में हो जाएगा, इतने सारे कैंपेन्स चल रहे हैं, ये टीचर चला रहा है और वो वाले भैया कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था अल्टीमेटली. और सितंबर में ही हुआ था पेपर, जबकि नहीं होना चाहिए था. बट खैर, तो इस बार भी हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं कि JEE एडवांस का थर्ड अटेम्प्ट वो लोग अलाउ करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं. बट आई होप कि वो अलाउ करें, स्पेशली जो सेकेंड ड्रॉपर्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है JEE एडवांस का थर्ड अटेम्प्ट. एंड फॉर ड्रॉपर्स ऑल्सो, जिन्होंने 11th 12th में पढ़ाई नहीं करी, जिन्होंने शायद नॉलेज नहीं थी कि क्या इंपॉर्टेंस होती है IIT JEE की, जो कि मेरा भी केस था, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि JEE एडवांस का थर्ड अटेम्प्ट उन्हें दिया जाए और उन्हें भी वो सेम मौका मिले जो कि शायद किसी अदर स्टूडेंट को मिल रहा है, जो कि शायद अपने बचपन से तैयारी करते आ रहा है JEE की. ठीक है, यही मुझे बोलना था JEE एडवांस के थर्ड अटेम्प्ट के बारे में. किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट्स में कि दीदी आप बोलो, तो फिर जो मेरे मन में था वो मैंने बोल दिया JEE एडवांस के थर्ड अटेम्प्ट के बारे में. अगर मैं सेकेंड ड्रॉपर होती तो मैं भी यही एक्सपेक्ट करती एजुकेशन मिनिस्टर से कि हाँ वो अलाउ करे थर्ड अटेम्प्ट को. बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम
माई फ्रॉम एनी सेकेंड ड्रॉपर के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? तो यस, यही बोलना था मुझे। ज़्यादा टेंशन मत लेना कि जे एडवांस का थर्ड अटेम्प्ट होगा या फिर नहीं होगा, पढ़ाई करते रहो। दोनों ही केसेस में तुम्हें पढ़ाई तो करनी ही है, इसलिए टाइम मत वेस्ट करो अपना इन सब चीज़ों में, और लिंक्डइन ट्विटर वगैरह पे भी अपना टाइम मत वेस्ट करना। अगर तुम्हें कोई बोलता है कि यार इसे रीट्वीट करो वगैरह, 5 मिनट दे दो अपना रीट्वीट करने में, और उसके बाद शायद अनइंस्टॉल कर दो या फिर वो पेज क्लोज कर दो, उसको खोल के मत देखो। जो होना होगा वो हो जाएगा, ठीक है? तुम्हारे रीट्वीट करने से बार बार कुछ नहीं होगा, जो न्यूज़ है वो वहाँ तक भी पहुँचती ही है और केस वगैरह भी चल ही रहे हैं, बट डिसीजन उन्हें ही लेना है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही है जेई प्रेपरेशन के रिगार्डिंग, तो तुम मुझसे यहाँ पे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए तुम लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।